ये प्रताप ने चेतक को हाथी की सूंड क्यों पहनाई है? हमारे वीर सैनिकों, आज पहली बार मान सिंह हमारे सामने खुलकर युद्ध के मैदान में हमसे लड़ने आया है। यदि आज अकबर भी हमसे अंतिम युद्ध लड़ता तो हम उस पर इतने क्रोधित नहीं होते, क्योंकि वो तो अकबर है, एक मुगल है, शत्रु है हमारा, क्रांता है। ये मान सिंह तो राजपूताने का एक राजपूत है, इसीलिए हमें इस पर दुगना क्रोध आ रहा है, क्योंकि घर के भेदी ने आज शत्रु बनकर घर का ही नाश करने आया। बड़ी हैवानियत के साथ प्रताप ने भगवान दास जी का कत्ल किया है। अपने अब्बा हुजूर की इस निशानी को तो पहचानते हैं ना? देखिए प्रताप, जलावत मान सिंह, आज हम ये युद्ध जीत कर ही रहेंगे साथियों। अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद। टर्कलिंग जी, टर्कलिंग जी, टर्कलिंग जी, अकबर मुगल सेना इसी ओर आ रही है। और क्या? और कुंवर जगमाल सिंह उनका नेतृत्व कर रहे हैं। हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है इस बात का। देखिएगा, हम डट कर सामना करेंगे मुगलों का। सब शस्त्र संभालिए अपने अपने। जैसे ही शत्रु दुर्ग का प्रवेश द्वार तोड़कर भीतर प्रवेश करेगा, हमारा शत्रु के साथ अंतिम निर्णायक युद्ध आरंभ। फिर कोई भी पीछे नहीं हटेगा। हम मारेंगे, हारेंगे या मर जाएंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। तोड़ दो प्रवेश द्वार। बस एक बार ये दुर्ग का द्वार टूट जाए, फिर हमारे सैनिक आसानी से उदयपुर के दुर्ग के अंदर घुसकर उस पर अपना अधिकार जमा लेंगे। उन मुगलों को त्रिभुजाकार व्यू बनाकर उसमें तीन तीन छोटी टुकड़ियों में उलझाएंगे, और जब जब वो मुगल सिपाही उस व्यू में फंस जाएंगे तो हम चौथी टुकड़ी लेकर उन पर आक्रमण कर देंगे। समझ गए ना साहब? होती इधर विजय क्षण उधर विजय, उधर विजय, कोई व्याकुल भर आह रहा, कोई था विकल कर आह रहा। खुरासन, जब तक ये चुनावत अपनी मेवाड़ी फौज को अपनी दमखम और चालाकियों से संभाले हुए है, तब तक ये मारता जाएगा हमारे सिपाहियों को। और इसी बीच प्रताप पहुंच जाएगा आहिस्ता आहिस्ता हमारे मान सिंह की ओर। अभी दबोते चुंडावत को। दो
लोहू से लखपथ लोटों पर कोई छुड़ा अल्लाह जी पूरी सुरक्षा के साथ रंगभूमि के बाहर लेकर जाइए। गिरते जाते गिरते मरते मिटते जाते गिरते मरते मिटते जाते बन गए वीर मतवाले के आगे वे बढ़ते चले गए। सैनिको पूरी शक्ति के साथ मुगल सेना में घुस जाइए। राणा जी अपने दाहिने मोर्चे पर ध्यान दीजिए। अब कैसे पहुंचोगे तुम हम तक तक प्रताप हम चारों ओर से घिर चुके हैं। अब क्या करना है? अरे एक साथ दोनों ओर से हम पर आक्रमण हुआ तो निश्चित रूप से हम घिर जाएंगे। और अगर मुगल सेना ने दोनों तरफ से राणा जी पे आक्रमण कर दिया तो वो कभी भी मान सिंह के पास नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर तत्काल राणा जी ने मान सिंह का वध नहीं किया है आचार्य तो हम ये युद्ध हार गए समझ रहे हैं। आचार्य मैं दाई और साथी मुगल सेना को मुख्य भूमि पे आने से पहले उन पर निर्णायक आक्रमण कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी रणनीति है आपकी राम शाह जी। अब हम बाई ओर से अपनी संपूर्ण सेना के साथ आते हुए मुगल भाव को रोक लेंगे। अगर आप दोनों के पास तो सेना बहुत कम है, ऐसा करना आप दोनों के लिए आत्मघातक होगा। आचार्य अब आप हमारे प्राणों की चिंता करना छोड़ दीजिए, बस आप राणा जी का साथ दीजिए मध्य भाग में। हमारे वीर भाइयों अपनी मातृभूमि के गौरव के लिए लड़ने का ये हमारे पास अंत मकसद है और इतिहास साक्षी रहेगा हमारे इस युद्ध का। एक लिंग जी के आशीर्वाद से हम पुनः जन्म लेंगे और एक बार फिर सब मिलकर अपनी मातृभूमि के गौरव के लिए लड़ेंगे, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे और अपनी मातृभूमि की आन बान शान के लिए लड़ेंगे। एक साथ हम सब मिलकर आक्रमण करो वसीम खान पे, आक्रमण करो काजी खान पे। राणा जी अब अपना पूरा ध्यान उस मानसिक तक पहुंचने के लिए एकत्रित कीजिए। और हमारी बाई और दाई ओर से आ रहे हैं वसीम खान और काजी खान का क्या होगा आचार्य जी? उन दोनों मोर्चों को संभालने के लिए राम शाह जी और डूडा जी जा चुके हैं। ये तो आत्मघाती अभियान होगा, नहीं हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्हें इस बात का बोध है उनको हम मान सिंह तक पहुँच सके, इसी कारण हेतु उन्होंने इस अभियान को इस मार्ग को चुना। अब जाइए राणा जी, हमारे पास समय बहुत कम है, जाइए उस मान सिंह की ओर राणा जी जाइए। अब इस घर के भेदी राजपूत को मारने का समय आ गया है। मान सिंह अब तुम जीवित नहीं बचोगे। जय मेवाड़। आया अरे सेनाधीश सुना
सिंह, तुमने मुगलों का साथ देकर राजपूताने को धोखा दिया कर दिया। मात्र चंद स्वर्ण मुद्राओं के लिए तुम मुगलों के हाथों हाथों तुमने अपनी मातृभूमि के साथ छल किया। अब अपने राजपूत भाइयों के विरुद्ध तुमने षड्यंत्र किया। अब तुम एक राजपूत नहीं, क्योंकि तुम्हारे रगों में राजपूती खून नहीं, मुगलों का मलिच और गंदा पानी दौड़। तुम होते कौन हो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, जबकि तुमने सबसे पहले स्वयं अपने राजपूत भाइयों को मारना आरंभ किया था। जो कभी तुम्हारे मित्र थे तुमने उनको मारा जिसने तुम्हें शांति का सुझाव दिया। हाँ, हमने मारा। जो भी हमारी मातृभूमि के साथ छल करेगा उसे धोखा देगा। हम उसे छोड़ेंगे। तुमने हमारे राजपूत भाइयों के साथ धोखा किया। जो भी राजपूताने की गौरव संस्कृति और विरासत के साथ अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी लाभ के लिए शत्रु की गोद में विभीषण बनकर बैठेगा, तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? ये धरती हमारी माँ है मानसिंह, और जो भी हमारी माँ की ओर आंख उठाकर देखेगा अपने अपवित्र पाओ हमारी धरती पर रखे, हम उसे मृत्यु लोक पहुंचा देंगे। भले ही वो तुम जैसे राजपूत ही क्यों ना हो। तो समझ लो ये हमारे बीच अंतिम संवाद था, जो आप सदा सदा के लिए गिरते मरते मिटते जाते। लगता है तुम सबको इस तरह खुशखुशी की बीमारी है जिस तरह चूहों वाली ताऊन बीमारी हमने उदयपुर में फैलाई है। जय करते तोपों तक चढ़ते चले गए। तो हमारे सैनिकों से प्रवेश द्वार नहीं टूट रहा है, और पता नहीं ये स्त्रियां क्या क्या फेंके जा रही हैं ऊपर से। आप सेनापति हैं कुंवर जगमाल, इस पर आदेश दीजिए। मन लगाकर द्वार तोड़ेंगे सारे सैनिक। हम चाहते हैं कि हमारा एक एक सैनिक अपना पूरा मन लगा के इस प्रवेश द्वार को तोड़े, शीघ्र तोड़े। Yeah.
फैसल खान। हम तुम्हें एक ऐसी मौत देंगे कि तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी। हमारे वीर योद्धाओं, हम हल्दी घाटी के इस महायुद्ध को अब जीत सकते हैं। अब मात्र 1500 मुगल सैनिक बचे रह गए। क्या आप में से किसी ने भी कभी मुगलों की इतनी कम संख्या देखी? नहीं ना, तो फिर आइए आज हम इनकी वो गत बना दें, इनकी आत्माएं ही हल्दी घाटी छोड़ कर जाएं। एक और समस्या राणा जी, राणा जी वो देखिए, 1,00,000 की संख्या में मुगल सिपाही हमारी ओर ही आ रहे हैं। और इसमें बीकानेर और आमेर जैसी राजपूत रियासतों के लोग भी सम्मिलित। और इस सेना के मुख्य सेनापति हैं आपके छोटे भाई। भाई शक्ति सब।